ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए जानते हैं कब मनाया जाएगा अश्विन माह का अंतिम प्रदोष व्रत, जाने शुभ मुहूर्त एवं पूजा का समय। प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव संग माँ पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही शिव शक्ति के निमित्त प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक को सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस शुभ अवसर पर साधक श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं सही डेट एवं शुभ मुहूर्त। प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 15 अक्टूबर को देर रात 3:42 पर शुरू होगी। वहीं 16 अक्टूबर को देर रात 12:19 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय के बाद से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 15 अक्टूबर को अश्विन माह का अंतिम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव एवं माँ पार्वती की पूजा के लिए शुभ समय संध्याकाल 5:38 से लेकर रात 8:13 तक है। इस समय में साधक भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। प्रदोष व्रत का महत्व। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत का फल दिन अनुसार प्राप्त होता है। अश्विन माह का अंतिम प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इसके लिए यह भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा। भौम प्रदोष करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। इसके साथ ही कुंडली में लाल ग्रह यानी मंगल मजबूत होता है। इस शुभ अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। पंचांग। सूर्योदय सुबह 6:06 पर, सूर्यास्त 6:26 पर, चंद्रोदय सुबह 4:47 पर, चंद्रास्त 3:47 पर 16 सितंबर को, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:19 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:19 से 3:09 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:26 से 6:49 तक, निशिता मुहूर्त रात्रि 11:53 से 12:40 तक रहेगा।